मकान, ये गाड़ी, ये टैंकर, ये सब तेरा आइडिया था ना? नहीं पापा। तो तेरा था? नहीं। अरे पापा, ये आइडिया ना मम्मी का है ना मेरा है? तो ये आइडिया तो मेरे सुंदर मामा का है। मतलब गाड़ी का भाड़ा मुझे ही देना पड़ेगा। ठीक है, दे दूंगा। अभी तो वसूल करो, होली खेलो। कोमल, सच बोलूं कोमल, होली खेलने का उत्साह रसगुल्ले की चाशनी की तरह होता है। जैसे रसगुल्ले को थोड़ा दबाते ही चाशनी बाहर आती है ना। देखो यहाँ थोड़ा रंग उठा और तो फिर चारों तरफ रंग ही रंग है ना। Yes, I know, Hans. किसी को पीना भी नहीं चाहिए। क्यों? ये क्या बात कर रहे हैं आप? अरे बहुत खतरनाक नशा है भांग का। आपने पिया है? मेरे को तो ऐसा लगता है कि भांग पी के आपने डोलते एक बार आप पी के देखो तो मालूम पड़ेगा। आप डोलते हैं कि आपकी दुनिया हिल जाती है, आपकी पूरी दुनिया हिल डुल जाएगी। नहीं नहीं भाई, ठंडाई है, सात्विक। सीधा हम लोग इधर सब सात्विक लोग है, गोकुलधाम सोसाइटी में सब भांग भांग नहीं पीते हैं। मसाला छाछ, उसमें जीरा डाल के। होली में थोड़ी कोई छाछ पीता है। टप्पू को मैं बना के देने वाली हूं। होली में तो ठंडा ही पीनी चाहिए बगैर भांग की। अच्छा, काफी ठुमके भी लगाए जा रहे थे। कौन सा गाने का आप बोल रहे हैं? एक दूसरे को पिचकारी मार रहे थे तो कौन सा? पता नहीं, हम तो होली खेलने में इतने मगन थे। कौन सा गाना बज रहा है, क्या क्या था? अच्छा, साथ मिलके कौन सा गाना गाना चाहेंगे? साथ मिलके कौन सा होली का कोई गाना? टप्पू के पापा की पसंद है वही मेरी पसंद है। आप गाइए, मैं पीछे ही हूं। अरे होरी खेले गंध वीरावत में, होरी खेले रघुवीरा, होरी खेले रघुवीरावत में, होरी खेले